9 और 10 जून को क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय एवं कौशल विकास मिशन एवं आईटीआई के संयुक्त तत्वाधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में बृहद रोजगार मेले का आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। रोजगार मेले में मारुति सुजुकी, होंडा, दक्षिण इंडिया थर्मिट, वीएमटी स्पिनिंग, मैनपॉटेक, टेलीकॉम्पनिक नोएडा, जेनेक्स एक्टा एवं राइजिंग स्टार सहित 80 कंपनियां भाग ले रही हैं, जो नियोजक सेल्स, एजुकेटिव नेटवर्किंग इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, ब्लॉक अधिकारी, हेल्पर, वेल्डर इत्यादि पदों पर भर्ती करेंगे, जिसमें 8वीं उत्तीर्णी से परास्नातक तथा आईटीआई पॉलिटेक्निक कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षित उत्तीर्णी बेरोजगारों में से कम 5000 को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेवा योजन कार्यालय के उप निदेशक राजीव कुमार यादव ने बताया। सवेरे काम आ जाएंगे, अखबार आएंगे भाई साहब, सी डी मंगवाले बनवा। तकरीबन कल और परसों में दो दिन मिला के 15,000 वैकेंसीज के लिए जो है कंपनियां चयन का काम करेंगी। कल 61 कंपनी करीब जो रहेंगी और तैयारियां हम लोग ने पूरी कर ली है। सबसे पहले लड़का दो तरह के लड़के आएंगे यहाँ पर, एक तो जो है कि जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो, और दूसरे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या आवेदन नहीं किया था उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। वो आएंगे, अपना फॉर्म लेंगे, सबसे पहले फॉर्म लेंगे, अपना कंपनी देख लेंगे किस कंपनी में उनको आवेदन करना है, उसको भरेंगे और भर के संबंधित काउंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, और रजिस्ट्रेशन करा के फिर सीधे इंटरव्यू के लिए आएंगे। कंसर्न रूम की इंफॉर्मेशन सब जगह डिस्प्ले है, जहाँ भी चाहें वो देख सकते हैं, देखकर वो अपना उस रूम में जाकर इंटरव्यू देंगे। तो कल और परसों दो दिन है जी, 9 और 10 तारीख को, तो क्या अलग अलग नॉन टेक्निकल या टेक्निकल की बात है? कल नॉन टेक्निकल सारी वैकेंसीज हैं और परसों टेक्निकल वैकेंसी है। इसमें कल एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि एचआर और कहते हैं कि बीटेक के बच्चे लेगी, इसके अलावा विंसम यान्स और ओरियंट सिंटेक्स, ये सारी कंपनियां महत्वपूर्ण कंपनियां इसमें आएंगी। G4S और SIS ये कंपनी भी इस समय कल पार्टिसिपेट करेगी और सभी बच्चों को उन्हें चेयर की कार्रवाई करेगी। 10 तारीख को टेक्निकल कंपनीज हैं, सैमसंग है और बहुत सारी टेक्निकल कंपनीज हैं।